ये है सरदारपुरा मोल्ली पंचायत। इतना ये रोड खराब हो गया है कि लोग पैदल भी नहीं चल पा रहे हैं। और ये पंचायती राज विभाग क्या कर रहा है अभी तक कोई समझ नहीं आ रहा है। आज हम यहाँ बारीबड़ा में पहुँचे हैं जहाँ पे लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है और ये चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। बारिश है, इतना मच्छर हो रहे हैं, बीमारियाँ होने का पूरा खतरा मंडरा रहा है इनके ऊपर। ये लोग, आप सरपंच, वार्ड पंच अधिकारी इधर आते हैं, क्या इनको मालूम नहीं ये नारी नहीं ये नारा है या ये स्थिति है? ये डिजिटल भारत का तस्वीर है, आप देख सकते हो यहाँ लोग इकट्ठा भी हुए और हमारे पास में कैलाश चंद्र रावल वार्ड पंच। आप कहाँ से वार्ड पंच हो? नहीं नहीं, कितने नंबर से वार्ड? कहाँ से वार्ड पंच हो आप? मोल्ली, ये क्या है, ये क्या लगा रखा है ये लोगों? कई बार हमने पंचायत में भी अवगत करवाया लेकिन ये कब से ये स्थिति बहुत खराब है और आज मैं देखने के लिए आया था। नहीं, हम कागजों में ही देखते हैं कि डिजिटल भारत बन रहा है लेकिन हकीकत में ये डिजिटल भारत है नहीं, ये नए डिजिटल भारत की तस्वीर। और क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो बोलते हैं गाँव है, व्यवस्था सही रखो लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। ये व्यवस्था नहीं होने का कारण यहाँ के प्रतिनिधियों में दम नहीं है, प्रतिनिधियों में दम नहीं है। जो आप सरपंच को यहाँ जिता के भेजते हो उनके अंदर दम नहीं है दिखता है मेरे को, क्योंकि ये इतनी भयानक स्थिति है यहाँ पे कि लोगों को पैदल चलना तो मुश्किल हो रहा है तो फिर गाड़ी का तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं सरकार से विनती करता हूँ कि इनको जल्दी से जल्दी इस रोड को बना के निवारण करें इस समस्या का और जनता को राहत दे। रोड बना हुआ है, ऊपर खाली कीचड़ है। जागरूक टाइम्स के लिए पोसालिया से चंपालाल मालिक की रिपोर्ट।